बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कराची की सड़कों पर नौ उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिलें दौड़ाते हुए अक्सर नज़र आते हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा ही नज़र आने लगे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस कदर तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं और उस पर करतब दिखाते हैं कि दूसरे जो साथ में चल रहे होते हैं मोटरसाइकिल सवार, उनको अपनी गाड़ी और अपनी ज़िंदगी और अपने हाथ पैर बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे कट लगाते हैं और इस तरह गाड़ियां घुमाते हुए जाते हैं जिस तरह के कार्टूनों में मोटरसाइकिल को कट लगाते हुए और घूमते हुए दिखाते हैं। कभी मोटरसाइकिल पे लेट जाते हैं, कभी उसका एक व्हील उठा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, करतब दिखाते हुए जाते हैं। हम अपनी एक वीडियो खूनी रेस फिर शुरू में ये तमाम बातें और इनके मुतालिक पहले भी कह चुके हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफताब अहमद गौर ने रिमार्क्स दिए हैं कि नौ उम्र ड्राइवर्स के साथ साथ उनके वालदैन को भी ज़िम्मेदार करार दिया जाए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि नौ उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां जब्त कर ली जाएं और 18 साल से कम उम्र ड्राइवर शहर में बढ़ते हुए हादसात की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के मोटरसाइकिल हादसात में बढ़ते हुए वाक़यात से शहरियों में तश्वीश पाई जाती है। ये वाक़यात मोटरसाइकिल के हादसात हकूमती इदारों की तवज्जो के मुतकाजी हैं। उन्हें इस तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिए कि शहर में नौ उम्र ड्राइवर्स के मोटरसाइकिल के हादसात में अमवात की बड़ी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि शहर में होने वाले बेशुमार हादसात में कम उम्र ड्राइवर मुलविस थे जो ना अपनी हिफाजत कर सके और ना अपनी गाड़ी की हिफाजत कर सके। इसलिए आइंदा नौ उम्र 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए और उनके वालदेन को भी इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाए और इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए ताकि इन इकदामात से वालदेन में ये शऊर पैदा हो कि वो अपने कम उम्र छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलें देने से गुरेज करें। अदालत ने आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत दी कि वो शहर में कम उम्र ड्राइवर्स के रेस के मशागिल को मौसिर और ज़रूरी तरीके से हैंडल करें और इसे रोकने की कोशिश करें। अदालत ने तो अपना हुक्म दे दिया कि कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां जब्त कर ली जाएं और उनके वालदेन को ज़िम्मेदार करार दिया जाए। अदालतें तो बहुत सारे हुक्म देती हैं लेकिन हमारे शहर में इस पर अमल कहीं भी नहीं होता। चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद शहर के बारे में बहुत सारे अहकाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी अहकाम पे अमल नहीं हुआ, जिसमें सर्कुलर रेलवे भी शामिल है। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफताब अहमद गौरण ने ये हुक्म दिया है, अब देखते हैं इस पे कहाँ तक अमल होता है, कहाँ तक सख्ती होती है। लेकिन ये हुक्म भी हवा में उड़ा दिया जाएगा और कराची की सड़कों पर 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए भी नज़र आएंगे। और मज़े की बात यह है कि इनके पीछे या तो उनकी वालदा बैठी हुई होती हैं या बहन बैठी हुई होती है या फिर वालिद साहब पीछे बैठे हुए होते हैं और वो मोटरसाइकिल दौड़ा रहे होते हैं इस कदर तेज़ रफ्तारी से कि दूसरे जो बराबर में चल रहे होते हैं वो भी डर जाते हैं। जब तक इंतहाई सख्त इकदाम नहीं किए जाएंगे, पकड़ के गाड़ियाँ जब्त नहीं की जाएंगी, वालदेन को सज़ा नहीं होगी गाड़ियाँ देने पर, उस वक़्त तक इस शहर में 16 साल के, 15 साल के और 17 साल के बच्चे मोटरसाइकिलें दौड़ाते रहेंगे और ख़ास तौर से मज़ाफ़ाती इलाकों में तो खुलेआम ये गलियों और सड़कों पर मोटरसाइकिलें दौड़ाते हुए नज़र आती हैं और अपने हाथ पैर तोड़वा लेते हैं या फिर किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जान से चले जाते हैं। उम्मीद है कि आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला और इंतज़ामिया हाई कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर पूरी तरह अमल करेगी और बच्चों की अमवात को रोकने की कोशिश करेगी जो उनकी नादानी की वजह से और उनके जोश और जज्बे की वजह से मोटरसाइकिलों के हादसात बढ़ते हुए रुक जाएंगे। हमारी बातें अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।